प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तीन निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। निरस्तक सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए यूलिप मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास की शुरुआत करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसका मकसद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रेटिंग में सुधार करना है और वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष 25 देशों में शामिल कराना है। इसके बाद ही मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस 2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही 14 क्षेत्रों में PLI स्कीम लाई गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। कैबिनेट ने इसके बाद भी सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके तहत प्रौद्योगिकी नोड्स के एक साथ साथ मिश्रित अर्धचालक पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर्स उत्पादन इकाइयों को 50% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।